कठोर निषद में कहा है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरिवा धूमका ईशानो भूत भवस्य विश्वाहा एतत् वैतत्, अर्थात धूम्र रहे अंगुष्ठ के आकार की यह ज्योति परम पावन परमेश्वर का एक प्रतीक है। ज्योति स्वरूप इस परम पावन परमेश्वर को हम नमन करते हैं, जिसकी ऊर्जा से सारे विश्व का संचरण होता है, हम सभी में प्राण उदित होते हैं, सूर्य और रूप और तेज की यह आराधना हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। भाई श्री दिनेश जी देसी ही हमारे परमादरिशु किशोर जन्ना सदगुरु जो असत एवं अंधकार की ओर से हमें उजाल की ओर ज्ञान की ओर ले जाते हैं, उन्हें हम सदगुरु कहते हैं। गुरु इन दो गुरु कहते हैं और सदगुरु तो कई गुरुओं के गुरु होते हैं। सदगुरु परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय तोताराम जी महाराज, नौ प्रकार के रस हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं और इन सबों में सर्वोपरि है भक्ति रस। इस भक्ति रस के साथ साथ आज हम वीर रस एवं हास्य रस, हास्य अपने आप में एक तीखा व्यंग होता है जो सही मायने में हमें हंसाता है और साथ ही में अंतर्मुक्ति करता है। हास्य धार से यहाँ पर हम सभी के साथ भाई श्री जानी बैरागी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हास्य कवि है, आज उनकी यहाँ पर विशेष उपस्थिति हम सभी के लिए गौरव की बात है। इस बार सद्गुरुंच्या कृपाशीर्वादाने घेतला श्री अभिजीत पंचभाई यांचं गीत रामायण असो, रतलाम येथील कलाकारांचं भजन संध्या कार्यक्रम असो, पंकज पाल यांचा सप्तखंजिरी वादक कार्यक्रम असो, हरिभक्त परायण श्री लक्ष्मणदासजी काळे महाराज यांचा कीर्तनाचा कार्यक्रम असो, गुलाबराव महाराज चिखलीकर यांचा कीर्तनाचा कार्यक्रम, हरिभक्त परायण रवींद्र महाराज तारखेडेकर यांचा कीर्तनाचा कार्यक्रम, या सर्व भक्ती रसाच्या सोबत आपण आज हास्यरसांमध्ये तृप्त होणार आहोत। आणि महाराष्ट्राच्या या भूमीमध्ये मध्य प्रदेशातून तीन कलाकार आपण सर्वांसोबत या ठिकाणी असणार आहेत, यामध्ये भाई श्री जानी बैरागी जे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे हास्य कवी आहेत, त्यांच्यासोबतच भाई श्री दिनेशजी देसी घी असल देसी घी वाला माणूस आहे आणि त्यांचं देखील या ठिकाणी हास्यरसानं ओतप्रोत असं हे संबोधन आपण ऐकणार आहोत। आणि त्याच्या पलीकडे जाऊन अजून खऱ्या अर्थानं ज्यांना आपण दुर्गेच्या रूपात पुजतो अशा नवदुर्गा जे तेजाचं शक्तीचं प्रतीक आहे, त्याचं शक्तीचं रूप या ठिकाणी
सुश्री मोठ्या माणसांसाठी खुर्च्या रिकाम्या ठेवायच्या आहेत। इस आध्यात्मिक भूमि में और इस पवित्र भूमि की ओर से आप सम्मान के साथ यहाँ पर हमारे वैराग्य का यहाँ पर सम्मान करेंगे। हस्ता और हसाता हूँ जानी वाकर को पीकर भी आज तक बैरागी हूँ, जानी वाकर को पीकर भी आज तक बैरागी हूँ। हम सभी के बीच यहाँ पर कुछ एक जाने माने देश की कवि है और अपने बहुत ही सक्षम ढंग से कविता को प्रस्तुत करने में महारत हासिल करते हैं और इनके लिए हम दो लाइनें कि दिनेश मेरा नाम है देसी तकल्लुस है, कि दिनेश मेरा नाम है देसी की तकल्लुस है, नाम नाम काफी मैं माहिर हूँ जैसे कोई फानुस है नाम का। हम जिनकी कविताओं को रचनाओं को सुनने के लिए बहुत ही बेताब है हमारे भाई श्री जानी जी, बातों बातों में पता चला कि ये भी विष्णुगुप्त है। माता की वंदना करते हैं। माँ शारदाए सोवर दे, माँ शारदाए सोवर दे, माँ शारदाए सोवर दे, माँ शारदाए सोवर दे, मेरे मूरख इस मन में, मेरे मूरख इस मन में तू ज्ञान को सागर भर दे, माँ शारदाए सोवर दे, माँ शारदाए सोवर दे, तू बैठ जाए जिसके हृदय उस वाल्मीकि माँ तू कर दे, तू बैठ जाए जिसके हृदय उस वाल्मीकि माँ तू कर दे, वो तुलसी बन जाता है तू कृपा जिस पे कर दे, वो तुलसी बन जाता है तू कृपा जिस पे कर दे, सूर के अंधे मन में, सूर के अंधे मन में माँ एक उजालो भर दे, माँ शारदाए सोवर दे, माँ शारदाए सोवर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। माता की वंदना के साथ तालियों की ताल आपने दी, इसके लिए बहुत बहुत पुनः आपका आभार। मैं आपके बीच बहुत लंबी यात्रा करके आया हूँ भाई साहब, मेरे बारे में बता दें, मैं प्रणाम करता हूँ, आप भी आ जाइए। ढूंढता आ ही जाता है, ये पहला मंच नहीं, अभी पशु मेले में था मैं अजमेर, वहां भी आ गए 3-4 गधे, वो आई जग भगाने लगे, मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने अपने वालक मत भगा, खड़े रहने पे पूरा कवि सम्मेलन सुन के गए हो, भगा दिया आपने। चलो मैं प्रणाम करता हूँ आपके डंडे को। बहुत लंबी यात्रा करके आपके बीच में आया हूँ। आदरणीय विष्णु जी कह रहे थे कि तीन टांग पे खड़े हैं, तीन टांग पे खड़े हैं, तीन टांग पे क्या खड़े हैं साहब, आपको बताएं कि लोग कहते हैं कि वो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। अतुल भैया, जानी भैया, अभी तो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना है, थोड़े दिन बाद बाल बनाने वाला प्रधानमंत्री बनेगा। लोकतंत्र है साहब, और लोकतंत्र में वंशवाद नहीं चलता है, ये लोकतंत्र है। और क्यों आवश्यकता पड़ी एक चाय बनाने वाले को प्रधानमंत्री बनाने की दीदी, क्यों बनी आवश्यकता, क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि कभी सुजलाम हो गया था, कभी सुकलाम हो गया था, कभी मल यज शीतलाम हो गया था, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण मेरा देश भी मेरे ही तरह विकलांग हो गया था, मेरे ही तरह विकलांग हो गया था। क्यों आवश्यकता पड़ी मेरे देश को भाई साहब। साउंड बहुत बढ़िया है आपका, हाँ बहुत अच्छा साउंड है आपका, और साउंड अच्छा होना चाहिए साहब। साउंड अगर खराब होना तो आवाज मां तक नहीं पहुंचती, यहाँ मंच पे माइक और घर पे वाइफ, ठीक ठाक अगर मिल जाए तो प्रोग्राम सारे ठीक ठाक होते हैं मेरे तो। प्रणाम करता हूँ आपका, साउंड बहुत, वो हमारे एक पंडित जी कथा करने के लिए आ गए, जानी भी आ तो वो साउंड वाले भाई साहब ने मना कर दिया, माइक को हाथ मत लगाना पंडित जी करंट मारता है,
अब पंडित जी भूल गए कथा, कथा में आनंद आने लगे, कथा में आनंद आता ही है। पंडित जी कथा प्रारंभ करने लगे, सज्जनों राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से कहने लगे कि हे राजन सस्तानी धाता पावक हो तेरी जात की करंट मार दिया। साउंड बहुत बढ़िया है आपका, साउंड का खेल ऐसा होता है। दादाजी बैठे हैं यहाँ पर, पुराने जमाने में मैंने मंदिर देखा, आज मैं पावन हो गया, मैं आके बता रहे हैं 250 साल पुराना मंदिर है। ऐसी प्राकृतिक छटा, ऐसी जो ऐतिहासिक चीज देखने को मिली आज, मैं इसके लिए आप जानी भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और किशोर जी अन्ना आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इसी पवन जगह का दर्शन करवाया। पुराने जमाने में आपने देखा टेक्नोलॉजी कहाँ थी, टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं थी पुराने जमाने में। वो टेप रिकॉर्डर चलती थी, रील वाली कैसेट होती थी, साउंड वाले भाई साहब देखना हो रील वाली कैसेट चलती थी, वो रील वाली कैसेट कहीं उलझ जाती थी, साउंड का खेल ही एक, वो रील वाली कैसेट उलझ जाती तो गाना बिगड़ जाता था। लगा देता गणेश उत्सव नवरात्रि में हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते, इतने जोर से माइक बजाते कि दो चार बुजुर्ग डोकरे निपट जाते। छोरों ने लगा दी कैसे, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से पूछो। खेल साउंड का है। उन नवरात्रि के समय एक दादी माँ निपट गई, छोरों ने कैसेट लगा दी नवरात्रि में, दादी माँ की तबीयत ज्यादा खराब और माइक का मुंह कर दिया उनके घर की तरफ, लगा दी छोरों ने कैसेट, मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, मैया जिनको नाम पुकारे वो किस्मत वाले वो। दादी माँ निपट गई। अच्छा इससे पहले वो चलती थी चूड़ी वाली कैसेट जिसमें ग्रामोफोन लगता था। दादाजी बचता ना आपके जमाने में गाना सारंगा तेरी याद में, वो पुराना, तो उसमें कैसेट अगर लगा देते ना सुई कहीं अटक जाती तो गाना वहीं का वहीं आ जाता। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा साजन मेरा साजन मेरा साजन, सुबह तक उस पार नहीं जाता। ज्योति जी क्या बताएं आपको, वो छोरों ने पंकज उदास की गजल फंसा दी, गजल लगा दी पंकज उदास की, और जो चूड़ी अटकी कैसेट अटकी डोली में जब बैठी बहना रसता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूं मेरा क्या है तेरी माँ का। चूड़ी वहीं अटक गई और आपकी ताली नहीं बजी तो यहीं अटकी रहेगी। साउंड बढ़िया है आपका, साउंड के पीछे खेल होता है पूरा। तो मैं बहुत लंबी यात्रा करके आपके बीच में आया हूं, तो मेरी थोड़ी अपेक्षा आपसे बढ़ जाती है, क्योंकि सुजलाम सुपलाम मले अज विकलांग, तो मेरी अपेक्षा आपसे बढ़ती है। और मेरी अपेक्षा क्या, मेरी मिसेस की अपेक्षा भी बढ़ती है। उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए। भगवान अच्छा सा वर दे देना, भगवान अच्छा सा वर दे देना, 1,25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेकर उसके दरवाजे पर गया और नीचे उतरा तो उसने झरोके से मुझे देखा और कहने लगी भगवान ऐसा, भगवान बोले बेटा 1,25 रुपए में ऐसा ही मिलता है। पड़ोस की महिलाएं मेरे मिसेस को चिढ़ाती रहती है, उसे कहती रहती कि तेरा पति तो लंगड़ा के चलता है, तेरा पति तो लंगड़ा के चलता है। मेरी मिसेस ने जवाब दिया कि सुनो रे, ये कोई लंगड़ा मंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लेरा के चलता है। मेरे साथ तो होता है। आप मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। मुस्कुराना बता रहे थे ना भाई साहब विष्णु जी, मुस्कुराना किसके हिस्से में है साहब, किसके हिस्से में? शादी से पहले जितने मुस्कुरा लिए उस मुस्कुरा लिए।
शादी के बाद कोई मुस्कुरा पाता है क्या? मुस्कुराते तो मिसेस की तरफ देखते कि हंस लो थोड़ा। मिसेस कहती हाँ थोड़ा हंसना, ज्यादा मत हंसना। हंसना वो एक पति प्रवचन सुन के घर गया, पति प्रवचन सुन के घर गया और पत्नी को गले लगाया तो पत्नी बोली क्या पंडित जी ने प्रवचन में आपको यही सिखाया? पत्नी बोली क्या पंडित जी ने प्रवचन में आपको यही सिखाया जो आकर मुझे गले लगाया? तो पति बोला नहीं रे भाग्यवान, पंडित जी ने तो ये कहा है कि तमाम मोहमाया को त्याग दो और प्रभु की ज्योति मन में जगा लो, दुखों से भगो मत बेटा, इनको तो अपने गले लगा लो। इसलिए मुस्कुराते रही है, आपके हंसते हुए चेहरे जब हमें नजर आता है, हमें दिखाई देते हैं तो हमें करंट मिलता है, ऊर्जा मिलती है साहब। हाँ भाई साहब बैठ जाइए, हाँ आप भी बैठ जाइए, आप मत देखो आपका साउंड बढ़िया है। रवि जी नाम है, अच्छा साउंड है आपका। किशोर जी से कहेंगे कि आपका साउंड और भी अच्छा रहेगा तो थोड़ा सा अगले साल फिर अच्छा और बढ़वाएंगे आपका पेमेंट वगैरह। हाँ मुस्कुराइए थोड़ा सा, आप भी अच्छे लगते हैं। हाँ ऐसे मुस्कुराते लोग अच्छे लगते जाने। हाँ जैसे मुस्कुरा रहे रवि जी, हाँ हसीिए कि कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। गुरुदेव के पावन दरबार के सामने बैठे हैं साहब हम, मुस्कुराने के लिए, हंसने के लिए, कुछ सीखने के लिए। तो हमारी और आपकी सारी कोशिश रहे कि आज की रात्रि को हम एक ऐसी रात बना दें, यादगार रात बना दें। और मुझे आशीर्वाद आप इतना दें कि मैं घर जाकर कहूँ मिसेस को कि हाँ आप जो तुमने कहा था कि मैं जा रहा हूँ प्रकाशा गांव, तो वहाँ पर मुझे बहुत आशीर्वाद मिला, ये जाकर मैं मिसेस को कह दूँ कि कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो। कहते हैं कुंवर बेचैन के पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। अरे चलने में तो एक पांव पर चल लेते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तब अपेक्षा मेरी बढ़ती है कि कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। पाँव मेरे नहीं है तो क्या हो गया, दौड़ जाऊंगा अगर आपका साथ हो, दौड़ जाऊंगा अगर आप। बहुत बहुत धन्यवाद के ताली बजाकर आपने मेरी थकान को दूर कर दिया, जो आशीर्वाद दिया जैसा मैंने सोचा था वैसा आपने आशीष दिया। वरना किशोर अन्ना जी मेरी कंडीशन तो ऐसी है कि लोग मुझे देखकर मानते नहीं कि मैं कवि हूं, क्योंकि अपना चेची से सपोर्ट नहीं करता, दूसरा नाम ढंग ढंग का नहीं, दिनेश पाटीदार देसी घी, देसी घी। बहुत सारे कवि मित्र मुझसे कहते रहते कि तुम अपना नाम बदल लो, कोई ढंग का नाम रख लो, दिनेश दिवाकर, दिनेश भास्कर। ज्योति जी कहती रहती कि नाम बदल लो, यहां तक कि मेरी मिसेज भी कहती रहती कि तुम अपना नाम बदल लो, तुम अपना नाम बदल लो, वरना एक दिन मैं पति बदल लूंगी। एक दिन तो गुस्से में आकर मैंने पत्नी से कहा कि नाम में क्या रखा है, काम में दम होना चाहिए, नाम में क्या रखा है, काम में दम होना चाहिए, दर्द सीने में हो तो आंखें नम होना चाहिए। और बेशक बेशक पाक और चीन से बातें करें हम मोदी जी, लेकिन दूसरे हाथ में परमाणु बम होना चाहिए, परमाणु बम होना चाहिए। क्या रखा है नाम में, बहुत सारे के नाम शेर सिंह लेकिन बकरे से डरे, बहुत सारे बहादुर सिंह घर का पानी भरे। अन्ना जी मैं पढ़ाता हूँ प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुरा में, 2007 में मेरी स्कूल में पोस्टिंग हुई, मैं स्कूल के अंदर गया, एक लड़के से नाम पूछ लिया, मन की क्या नाम है तेरो, रंगो, बाप को नाम चंगो, उसके बाप को नाम बिगमंगो। मैंने कह गई पूरा खानदान नंगो है,
साला चड्डा पहन के स्कूल आता, तेरे बाप को बुला के ला कि साहब मेरा बाप नहीं आ सकता। अरे मैंने की क्यों नहीं आ सकता कि साहब नहीं आ सकता। अरे मैंने की क्यों नहीं आ सकता कि साहब इसलिए नहीं आ सकता कि उनका चड्डा पहन के तो अपने स्कूल आ गया। चलिए बता तेरा घर कहाँ है? के साहब नीम के सामने। नीम कहाँ है? न्यूक मेरे घर के सामने। दोनों कहाँ है? तो न्यूक आमने सामने। अरे मैंने की छोड़ो इनके लत्ते कपड़े से, कपड़े तो क्या लेना देना, सरकार ने पढ़ाने लिखाने के लिए रखा। मैंने भूगोल निकाला, सारी नदियों का पाठ पढ़ा डाला, फिर एक लड़के को खड़ा करके पूछा, मन की क्या नाम है तेरा? के रामलाल। मन की रामलाल बेटे ये बता, गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है? रामलाल कहने लगा, मार साहब मेरे पिताजी ने यही कही है कि स्कूल से घर जाना और घर से स्कूल आना, कोई कोई से मिले, अपने को क्या लेना देना। दूसरे लड़के से पूछे, मना कर दिया। तीसरा तपाक से खड़ा हुआ, मार साहब मुझे मालूम मन की ऐसे लड़के देश का नाम रोशन करेंगे। चल बेटे बता पूरी क्लास को, गंगा कहाँ से निकलती, किससे मिलती है? तो वो लड़का कहने लगा, मार साहब गंगा अपने घर से निकलती है और गुप्ता जी के लड़के से मिलती है। एक बार ताली बजा कर स्टार्ट कीजिए आप कार्यक्रम को। नाम बदल लो, काय के लिए नाम बदलो है? खिलाड़ी में दम होगा तो मेज में टिकेगा। रवि जी, प्रकाश जी, साउंड अच्छा है इनका। नाम में दम होगा, नाम काहे के लिए बदलो? खिलाड़ी में दम होगा तो मैच में टिकेगा, अन्ना का जा तो फिर अनशन में दिखेगा, और देसी घी में दम होगा तो पॉलीथिन में बिकेगा। लेकिन फिर भी ज्योति जी, मुझे लोग मानते नहीं है कि मैं कवि हूं। हाँ, बहुत सारे कवि तो मुझे देखकर मालूम कैसा समझते हैं मेरी चाल को देखकर, कि कोई डिस्को समझता है, कोई डांडिया समझता है, हुई शादी नहीं जब तक जगत सांड्या समझता है। पर अपनी सच्चाई बता रहा हूं, किसी के प्यार में यारो हुए हम इस कदर पागल, कटाई मूछ हमने तो जगत रांड्या समझता है। और बनो बेटा प्रोफेशनल, ये स्थितियां हो जाती है। हम समझाना कुछ चाहते हैं, सामने वाला समझ कुछ जाता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने एक योजना प्रारंभ की, लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी बचाओ अभियान। अब इस अभियान से एक बाबा जी प्रभावित हो गए, जगह जगह जाकर महिलाओं को इकट्ठा करके प्रवचन देने लगे, बेटी का महत्व बताने लगे, बेटियों के बारे में समझाने लगे कि देवियों यत् नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का वास होता है वहां देवता निवास करते हैं, इसलिए कन्या का जन्म होना बड़े सौभाग्य की बात है। जिसके यहाँ एक कन्या जन्म ले लेती है, भगवान स्वर्ग का एक दरवाजा खोल देता है। जिसके यहाँ दो कन्या जन्म ले लेती है, भगवान स्वर्ग के दो दरवाजे खोल देता है। और जिनके यहाँ तीन कन्या जन्म ले लेती है, भगवान स्वर्ग के तीन दरवाजे खोल देता है। एक महिला खड़ी हुई, क्यों महाराज, इस स्वर्ग के दरवाजे कितने हैं? पंडित जी कहने लगे कि देवी स्वर्ग के सात दरवाजे हैं, और जिनके यहाँ सात कन्या जन्म ले लेती है, भगवान स्वर्ग के सात दरवाजे खोल देता है। तो वह महिला कहने लगी, क्यों महाराज, मेरे घर नौ कन्या, दो दरवाजा कौन तेरा बाप खोलेगा? ये समृद्ध को नहीं दोष गुसाई। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि जो चीजें समृद्ध होती है उसमें हम दोष ना निकाले, तर्क ना निकाले। सदगुरु देव तोताराम जी महाराज ने उपदेश दिया है कि जो चीजें होती है उसे हम बदल नहीं सकते, उसमें तर्क नहीं निकाल सकते, तो हमें अधिकार नहीं हम तर्क निकालें। लेकिन कहते हैं बेवकूफ, बहुत सारे जानी भैया, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। वो एक है ना बेवकूफ, कहता है वो असुरुद्दीन ओवैसी, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मत बोल भाई, भाई तेरे एक के भारत माता की जय बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह से लेकर शाम तक इस माटी को चूमते हैं और 125 करोड़ भारतीय भारत माता की जय बोलते हैं। मत बोल, उसे माँ का महत्व ही नहीं मालूम है। वरना जिस दिन इस माटी का महत्व माँ का महत्व समझ जाता, उस बेवकूफ को कहने में शर्मिंदगी होती। वो कहता कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। साउंड बढ़िया है आपका, अच्छा है, लेकिन वो जय नहीं बोल रहा है भारत माता की। तकलीफ ये है, साउंड अच्छा है आपका,
क्या होती है मां? मां महात्मा और परमात्मा, मां महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर मां सबसे भारी है। ये मैंने ही नहीं, वेदों ने कहा है, हमें जन्म देने के लिए 9 महीने की पीड़ा उस मां ने ही सहा है। क्या होती है मां? मां ममता है, पिता प्यार है। मां ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त, जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ाया, तेरी एक सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। कहते हैं अन्ना जी कि मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी मां की कभी टाली नहीं जाती। दो चीजें देती है मां, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। वो अप्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती है कि मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी मां की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांझ कर भी एक मां 3-4 बेटों को पाल लेती है, तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक मां पाली नहीं जाती, एक मां पाली नहीं जाती। कहां आ गए हमारे संस्कार? कहां से चले हम? जगत गुरु कहलाते थे, कभी इटलाते थे, कहां आ गए? कैसे चले हम कैसे? और इस संस्कार को बिगाड़ने में जाने भैया इन फिल्म इंडस्ट्रीज वालों का हाथ है। जब से ये फिल्म इंडस्ट्रीज आई, ज्योति जी बैठी यहां, फिल्मों में काम किया इन्होंने भी, इनको भी मालूम है कि जब से ये फिल्म आई में इस देश के अंदर, तब से हमारे बच्चों के संस्कार बिगड़ गए। ये बच्चे देखते हैं फिल्म, और फिल्म देखने के बाद ऐसा ही अनुसरण करते हैं। पतन हो गया संस्कृति का, पतन हो गया संस्कृति का। जब से गीत बजने लगे इलुए, तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। कहां रामचरित मानस और गीता की बातें होती है मेरे दोस्तों? जहां देखो ये रिश्ता क्या कहलाता है? निमकी मुखिया। अरे साहब निमकी मुखिया तो थोड़े देख लो, बाबा के दरबार में आ जाओ तो थोड़ा हो जाओगे सुखिया। लगे रहे निमकी मुखिया में, निमकी मुखिया तो मुखिया, फिल्में ऐसी आ गई। पुराने जमाने में गीत होते थे, दादा के जमाने में इनसे पूछो आप कैसे गीत होते थे, कैसी फिल्में होती थी। लेकिन आजकल की फिल्में पूरे परिवार के साथ ना हम बैठ के नहीं देख सकते। पुराने जमाने में गीत होते थे, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना। लेकिन आजकल तो पता नहीं चले कौन सी डाल पर तोता और कौन सी डाल पर मैना, आदमी ढूंढता रह जाए। पुराने जमाने में गीत होते थे, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने, तुझे दूल्हा किन्ने बनाया भूतनी के। ये गाने पुराने जमाने में गीत होते थे जिसमें संदेश होता था, लेकिन आजकल के गानों में गीत नहीं, आदमी कबड्डी खेल रहा, तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक घूमता था। राजा मिया इसकी यारी उसकी चड्डी उसने फाड़ी, वो जाए तेरी वल्ले वल्ले, अब चट्टी फाटने में गाई के वल्ले वल्ले। कहते भी इस बात का मुझे गम है, कहते इस बात का मुझे गम है, मेरी आंखें भी इस बात से नम है कि हुई जो मुन्नी बदनाम, इसकी जिम्मेदार भी सिर्फ और सिर्फ आप और हम हैं, आप और हम हैं। हमने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, अच्छी शिक्षा नहीं दी, और कह रहे कि राम पैदा नहीं हो रहे। अरे अपना ही सोना खोटा हो तो क्या सुनार का दोष भला, और बीज बंबूल का बो रहे हैं तो क्या बाहर का दोष चला। हमारी शिक्षा में कमी है माता बहनों। आप चाहो तो अपने बच्चों को राम बना सकती हैं, ऐसी शिक्षा दो उनको। आप चाहो तो इनको श्रवण बना सकती है, इनको आप लक्ष्मण बना सकती हैं। आपकी शिक्षा में कमी है। आज भी मैं आपको लिख के दे सकता हूं इस बड़े मंच से कि अगर हम अच्छी शिक्षा देंगे तो आपके बच्चे राम बनेंगे, और यही हुलाला हुलाला खुलाला खुलाला, तो फिर ये रावण बनेंगे। हमारी शिक्षा होनी चाहिए अच्छी। पुराने जमाने में गीत होते थे, ऐसे से गाने होते थे जानी भैया के पशु तक गा लेते थे। पुराने जमाने के गीत रवि जी पशु भी गा लेते थे। विष्णु भैया अभी तो मैं शिक्षा विभाग में टीचर हूं, इससे पहले भेज चलाया करता था। प्रकाश जी भेज चलाया करता, आधा गाना मेरी भेज गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। गाने का बोलिए, ज्योति जी सुनिए, भेज और दोनों मिलके गाते थे हम। तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले, तुम याद आने लगे हो,
की है, तुम्हारी भेस करती आए आए। गाने पुराने जमाने में ये पशु गा लेते थे, लेकिन दादाजी आजकल के गाने, छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। भाई गलती थार से कैसे हो गई, नहीं कैसे हो गई गलती तुमसे है? उसका कारण मात्र इतना है कि जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी, दाग लगाया चूनर से तो धोने की जरूरत क्या थी। आहा जवान लज्जा और कार, आहा जवान लज्जा और कार, जब मैंने हिंदुस्तान की संस्कृति थी तो फिर इन्हें खोने की जरूरत क्या थी, और जब तेरा बिस्तर नीचे था तो फिर छत पर जाकर सोने की जरूरत क्या थी, छत पर जाकर सोने की जरूरत क्या थी। आगे भाई साहब अब आते ही, अब प्रारंभ में वो आए तो मध्य में ही आए, अंत में और कोई आएगा, मेरी तो कंडीशन है थी। अब भैया बैठ जाओ, हाँ यही है कमीशन मिलन, बैठा लो बैठा लो। हाँ तो ये कह रहा था ना संस्कार बिगड़े हैं, और संस्कार जब बिगड़ते हैं मेरे दोस्तों, हमारे देश के जब संस्कार बिगड़ते हैं तब जाकर वो पाकिस्तान का पप्पू बिलावल भुट्टो वो कहता कि हम पूरा का पूरा कश्मीर लेंगे, पूरा का पूरा कश्मीर ले लेंगे, पूरा का पूरा कश्मीर अभी तुमको कैसे दे देंगे, नहीं कैसे दे देंगे, पूरा का पूरा कश्मीर तो अभी हमारे पास नहीं है, नहीं कैसे दे देंगे। माना कि हम गौतम गांधी के देश के हैं, माना कि हम गौतम गांधी के देश के, तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे, तू मांगेगा तो गंगा का नीर देंगे, तू हाथ बढ़ा अपना हम पूरा शरीर देंगे, हमने दिया है दुनिया को सम्मान एक बार फिर देंगे। कहीं वीर शिवाजी की भूमि में अगर मैं खड़ा हूं तो मुझे एहसास कराना, मैं हास्य के बीच में कोई ऐसी गंभीर पंक्तियां पढ़ रहा हूं देश के प्रति, तो मुझे एहसास कराना, मैं पंक्तियां छोड़ दूंगा, उन पंक्तियों को पूरा करने का जिम्मा मैं आपको सौंपता हूं। माना कि हम गौतम गांधी के देश के, तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे, तो मांगेगा तो सिंदूर गंगा का नीर देंगे, तो हाथ बना बना हम पूरा शरीर देंगे, हमने दिया है दुनिया को सम्मान एक बार फिर देंगे, मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के। फिर भी भाई साहब चार जने चिल्लाएंगे और आप खामोश खड़े रहेंगे, बात नहीं बनेगी, सबको बोलना पड़ेगा एक साथ में, आप बोलते हैं कि टांग पे टांग धर के चीर देंगे तो वो जो सेना पे जवान खड़े हैं ना उनको बल मिलता है, इनको ताकत मिलती है। बात ऐसे नहीं कह रहा हूं, बात के पीछे तर्क दीदी तर्क देता हूं, छूना पाए दुष्ट रावण खींचे सिरा कीर देंगे, छलनी हो जाए दुश्मन का सीना वो गांधी उसे तीर देंगे, ए पाक तेरी इमारतों को तिनके की तरह बिन लेंगे, और तू क्या कश्मीर की बात करता है कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। ऐसे नहीं दोस्तों, भारत माता की जय जयकारा होना चाहिए मेरे भारत माँ का, तब जाकर उस असरुद्दीन ओवैसी को लगेगा कि यार वास्तव में जे बोलने वाला बहुत है। बात कह रहा हूं उससे पीछे तर्क दे रहा हूं, आपकी ललकार चाहिए दहाड़ चाहिए कि दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, और जैसा सनी देओल ने उखाड़ा था हैंडपम्प ऐसा उखाड़ देंगे। वो एक जट गया था सकीना के लिए, हैंडपम्प उखाड़ के आ गया। अगर 125 करोड़ भारतीय जाएंगे तो मालूम प्रकाश जी क्या क्या उखाड़ के आएंगे, ये साउंड आउंड सब बिगाड़ के आ जाएंगे। तब कहता हूं ललकार की अपेक्षा रखता हूं, दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, जैसा सनी देओल ने उखाड़ा एल्बम ऐसा उखाड़ देंगे, भारत मां की सौगन इस्लामाबाद में भी तिरंगा गाड़ देंगे, समझा रहे तुझे एक मौका फिर देंगे, मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के। बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी 8 पंक्तियों की लाज आपने रख ली और वो मोहर लगा दी कि टांग पर टांग धर के चीर देंगे। जाने इनकी बिना पूछ को आदमी दूसरा गांव नहीं जाता, आदमी का अगर पूछ होती तो ढंग से कुर्सी पे नहीं बैठा, तो ढंग से पेंट पजामा नहीं पहना, तो ट्रेन बसों में जाते अपन और टीसी आता बोले टिकट टिकट टिकट, पहले काहे की टिकट, पहले पूंछ पे से पांव हटा। खाना खाते तो लोग पूंछ हिलाते, भाभी जी ने खाना अच्छा बनाया है, बोले कैसे पता चला, नहीं भाई साहब की पूंछ देखो कैसी हिल रही है। आदमी को अगर पूंछ होती जानी भी है तो फिल्मों के नाम कैसे होते, फिल्मों के गाने कैसे होते, फिल्मों के डायलॉग कैसे होते, आदमी को पूंछ होती तो फिल्मों के नाम होते,
हम पूंछ दे चुके सनम, हम आपकी पूंछ में रहते हैं, तेरी पूंछड़ी की कसम, पूंछ वाले दुल्हनियां ले जाएंगे। ज्योति जी गाने कैसे होते फिल्मों में? तू जब जब पूंछड़ी हिलाए मैं दौड़ी आऊं नदी के किनारे, गाने होते मोहम्मद रफी साहब। तेरी पूंछड़ी के सिवा दुनिया में रखा क्या है, यही ले सांझ तले, यही ले सुबह तले, मेरा जीना मेरा मरना तेरी पूंछड़ी के तले। ये गाने होते बाजीराव मस्तानी में गीत होता, देखी जो पूंछ तेरी मैं दीवानी हो गई, मशहूर तेरी पूंछ की कहानी हो गई, देखी जो पूंछ तेरी मैं दीवानी हो गई, नव पूंछड़ी पुरन गई, जब देखा मुझे मिली नहीं, नव पूंछड़ी पुरन गई, जब देखा मुझे मिली नहीं, जग घूमिया पूछ देखी नैसी। गीत होते साहब, गाने होते फिल्मों में, पूछ पे तेरी मिट्टी, मिट्टी पे तेरी पूछ, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरी पूछ रे सुल्तान। ये गाने होते। अच्छा फिल्मों में डायलॉग कैसे होते हैं? इक्को को थोड़ा सा और बढ़ा दो हल्का सा बस। फिल्मों में डायलॉग कैसे होते हैं? मान लीजिए तिरंगा फिल्म में राजकुमार नाना पाटेकर, गेंदा स्वामी ये कमांडू बड़ा खतरनाक है, तुम्हारा बाप है, पूंछ हिलने से पहले पूंछ काट देता है। और रहा सवाल हमारा, तो जानी हम ना तलवार की धार से ना गोलियों की बोछार से, बंदा डरता है तो केवल पूंछड़ी की मार से। नाना पाटे करता आप। सर आपको अपनी पूंछ का राज नहीं बताना था। आपने अपनी पूंछ का राज बताकर अपने आप को कमजोर कर लिया। दिमाग लगाना था, दिमाग लगाना था। आकर मेरी पूछ का तमाशा देखने के लिए। अब ऐसा तो मैं पूछ लाऊंगा, आप देखोगे चक चक करते हो, घर चल जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तुम लोगों को पूछ हिलाने की आदत पड़ी तुम लोगों की, पहले राजा महाराजा के सामने, फिर अंग्रेजों के सामने, अब चल नेता और गुंडों के सामने, हिलाओ पे हिलाओ, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये बिच्छू सा देख जो हमारी पूछ को तोड़ने का ख्वाब देख रहा है, ये वो ख्वाब देख सकता है कि कुछ मालूम या किसी को किसी के पूछ के लिए हमदर्दी नहीं है। सारे गुस्से की पूछ खींच रहे, ये हिंदू की पूछ, मुसलमान की पूछ, सिख की पूछ, ईसाई की पूछ, खींचो भाई खींचो। एक पूछ को तोड़ना आसान है लेकिन पूछ के भाड़े को तोड़ना कठिन है। मैंने पढ़ा था स्कूल में तीसरी में, क्यों समझा रहा हूं, मेरे दिमाग में भूत उतरा। ये पूछ वाली बाइक आप दिलाना चाहती थी, कौन समझा? ये फिल्मों के डायलॉग होते साहब, लेकिन हमारे गांव की महिलाएं, जैसे प्रकाशा गांव की महिलाएं, हमारे मालवा की महिलाएं, हमारे मालवा की महिलाएं, उज्जैन की महिलाएं, अगर आदमियों को पूछ होती तो कैसे गीत गाती, मैं आपको बता के जा रहा हूं। हमारे अंदर की महिलाएं, आदमी को पूछ होती तो वृद्ध महिलाएं, बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं ऐसे गीत गाती। मेरी चाह यही, मेरी राह यही, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं, मेरे रोने से जो सबको आए हंसी, तो रो रो के सबको हंसाया करूं, रो रो के। थैंक यू, धन्यवाद।
तो मैं चाहती हूँ एक बार इनके सम्मान में भी जोरदार तालियां हों। दोस्तों बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं विष्णु जी, बहुत मेहनत करके कई सवालों को उन्होंने ऊंचाइयां दी हैं। मैं आपको बहुत बड़ी कविता नहीं सुनाऊंगी, बहुत छोटी सी कविता सुनाऊंगी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ एक घटना हो गई जिसमें बचते बचते मैं यहां तक पहुंची हूं, महाकाल की कृपा थी। जॉनी भैया, मैंने एक कवि सम्मेलन में एक कविता सुना दी बहुत लंबी, सामने एक श्रोता बैठे थे, वीर गति को प्राप्त हो गए, मुझे कोर्ट में ले जाया गया। वहां पर लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया, भाई इस कवित्र ने इतनी लंबी कविता सुनाई कि श्रोता वीर गति को प्राप्त हो गया, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो, जज ने मुझसे पूछा। हमने कहा वो कविता मैंने आधी सुनाई थी, अब मैं आपको पूरी सुनाना चाहती हूँ। तो अगर आप इसी तरह मन देते रहेंगे तो जैसा आपका आदेश होगा मैं सुनाऊंगी। संतों की पावन भूमि है साहब, बहुत सौभाग्यशाली हूं कि इस दर्शन के क्षेत्र में मैं उस प्रदर्शन के क्षेत्र से चलकर आई हूं। मुझे किसी कवि की चार पंक्तियां याद आती है यहाँ की महिलाओं को देखते हुए कि गांव के चौपालों में जमघट न मिलेगा, गांव के चौपालों में जमघट न मिलेगा, प्याऊ न मिलेगा, कहीं पनघट न मिलेगा, और यहां तो जिस्म दिखाने की होड़ है यारो, यहां तो जिस्म दिखाने की होड़ है यारो, ढूंढोगे तो कोई घूंघट न मिलेगा। आइए मैं सीधे सीधे अपनी बात पर आती हूं, क्योंकि हमें जॉनी भैया को सुनना है, और अन्ना जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ किस तरह के आयोजन उन्होंने करवाए। बच्चा शांत हो जाओ, इसकी माँ जहां कहीं भी उसको शांत करा ले, क्योंकि अगर वो चाहेगी तो उसका बाप भी शांत हो जाएगा। तो आइए इस, अच्छा पूरी कविता नहीं सुनना आपको, अच्छा वो पीछे से सुनेंगे, डर गए। चलिए यार, संतों की भूमि है, मैं वहीं से शुरुआत करती हूँ। सभी का आशीष मांगती हूँ कि मानव में जब जब जागता है रावण, तो मानव में जब जब जागता है रावण, तो पाप के विनाश हेतु राम चले आते हैं, और कोई यदि नारी अस्मिता पे जो लगाता दाग, दौड़े महावीर हनुमान चले आते हैं। श्रद्धा और भक्ति में बदलता है प्रेम कभी, तो राधिका के होके घनश्याम चले आते हैं। और अंतिम पंक्तियों में लगे कि मैंने कुछ सच बात आपकी माटी के लिए, इस देश के लिए कही हो, तो दोनों हाथ मुझे आकाश में लहराते हुए दिखने चाहिए कि मानव में जब जब जागता है रावण, तो पाप के विनाश हेतु राम चले आते हैं, और कोई यदि नारी अस्मिता पे जो लगाता दाग, दौड़े महावीर हनुमान चले आते हैं। श्रद्धा और भक्ति में बदलता है प्रेम कभी, तो राधिका के होके घनश्याम चले आते हैं, और धर्म की ध्वजा को यूं संभालने के लिए ही तो संत वेशधारी भगवान चले आते हैं। और दोस्तों एक अभी मुझे कार्यक्रम में आने से भारत माँ का बेटा शहीद होता है साहब, और पत्रकार उनसे वार्ता करने आते, उनसे पूछते हैं, माँ रोती है बिलखती है, पत्रकार पूछते हैं बेटा शहीद हो गया, तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए, अगर इतना ही था तो तुमने बेटे को सरहद पर भेजा ही क्यों? अगर उस माँ का जवाब अच्छा लगे साहब, तो उसकी तालियां, आपकी तालियां उसके सम्मान में, उसके भाल पर अंकित होनी चाहिए। माँ कहती है कि मैं रोती इसलिए नहीं कि मेरा बेटा शहीद हो गया, मैं रोती इसलिए हूं मेरा कोई दूसरा बेटा नहीं है जिसे मैं सरहद पर भेज पाऊं। और वहीं पर कोई मंत्री आकर ये कह जाते हैं, दे तो दिया 10 लाख, क्या चाहिए इन्हें, सैनिक तो जाते ही हैं मरने के लिए। तब मेरी चार पंक्तियां उन तक पहुंचाइएगा और आपकी तालियां उन तक पहुंचनी चाहिए, सुनिएगा। उनसे एक जवाब मांगना चाहती हूं, एक प्रश्न करना चाहती हूं कि वतन पर मिट गए बेटे कहां से उनको लाओगे, वतन पर मिट गए बेटे कहां से उनको लाओगे, शहीदों की शहादत पर कभी क्या आंख से आंसू गिराओगे, वतन पर मिट गए बेटे कहां से उनको लाओगे, कभी क्या आंख से आंसू गिराओगे, वतन पर मिट गए बेटे कहां से उनको लाओगे,
और जरा सरहद पे बेटा भेजिए अपना तो देखेंगे कि तब कीमत शहादत की भला कितनी लगाओगे। एक पुत्र है, उसका विवाह होता है और जैसे ही वो चौखट पर पहुंचता है उसे एक पत्र मिलता है। उसमें उसे भारत माँ की रक्षा के लिए जाना होता है। मेरी ये प्रसिद्ध रचना है जिसने मेरी पहचान बनाई इस दुनिया में, इस देश में। मैं चाहती हूँ वो पंक्तियां आज आपके बीच में हो। पत्नी क्या कहती उसे रोकते हुए, सभी पत्नियों का मैं प्रतिनिधित्व करना चाहती हूँ और सुनिएगा कि कैसे तुमको रोकू सजना, कैसे प्यार जताऊ मैं, दिल के कोने में क्या रखा कैसे तुम्हें दिखाऊ मैं, रात चांदनी संग तुम्हारे बोलो कैसे इठलाऊ मैं, प्यार भरा कैसे कोई मधुरिन संगीत सुनाऊ मैं, जब मातृभूमि संकट में है तुम्हें कर्ज चुकाना है, ये प्यार मोहब्बत छोड़ तुम्हें अपना फर्ज निभाना है, राष्ट्रभक्ति से बढ़कर होता है कोई किरदार नहीं, बने देश की रक्षा में बाधक ये मेरा प्यार नहीं। इसलिए है प्राणनाथ मेरी यादों में मत पड़ना, ये मेहंदी वाले हाथ भुला के सिंह सरीखे से लड़ना, जब शत्रु दलों के आगे जाकर के ये शूर लड़ेगा तब संग तुम्हारे सरहद पे मेरा सिंदूर लड़ेगा। कैसी कैसी कस्में देती है कि प्राणनाथ सौगंध तुम्हें इन पायल के झंकारों की, प्राणनाथ सौगंध तुम्हें इन कंगन चूड़ी हारों की, प्राणनाथ सौगंध तुम्हें मेरे ऊपर उपकारों की, प्राणनाथ सौगंध तुम्हें मेरे 16 श्रृंगारों की, मातृभूमि की रक्षा में चाहे रण में शीश कटा देना किंतु शहादत से पहले दुश्मन को धूल चटा देना। अब क्या जवाब आता है पति का कि कैसे खुद को रोकू बोलो, कैसे तेरा बखान करूं, तेरे त्याग समर्पण का बोलो कैसे गुणगान करूं, आज मिलन की रात प्रेम की बात नहीं कर पाया मैं, खुशियों की झोली तक सजनी आज नहीं भर पाया मैं, किंतु जहां तेरे सुहाग की जाकर खन गर्जन होगी, इन पैरों के नीचे शत्रु हाथों में गर्दन होगी, मुझे नहीं परवाह कोई बस जीत के मुझको आना है, दुश्मन की छाती चढ़कर मुझे तिरंगा फहराना है। सीमा पर जाकर दुश्मन हेतु मुझे जलजला बनना है, सीमा पर जाकर दुश्मन हेतु मुझे जलजला बनना है, मेरी खातिर प्राण प्रिय अब तुम्हें उर्मिला बनना है। किंतु अगर फिर ओढ़ तिरंगा वापस घर को आऊ मैं, भारत माँ की रक्षा में अगर अमर शहादत पाऊ मैं, हाथ लिए बंदूक मात चरणों में शीश चढ़ाऊ मैं, सरहद पर जाकर कोई इतिहास नया रच जाऊ मैं, तो मेरी मौत पर भी तुमको आंसू मत छलका देना, मेरी चिता की राख उठा मत्थे सिंदूर लगा लेना। बहुत सारी महिलाएं यहां बैठे हैं, उनका सम्मान करती हूं। और मुझे किसी कवि के चार पंक्तियां याद आती हैं कि बेटियां बेटियां जिंदगी के अलंकारों में अनुप्रास है, बेटियां जिंदगी के अलंकारों में अनुप्रास है, बेटियां संवेदनाओं का स्पर्शी एहसास है, और रोटी कम देखकर बेटी हंसते हुए बोली पिताजी आप खा लीजिए मेरा तो उपवास है। और अभी कार्यक्रम से पहले विष्णु जी मुझसे पूछ रहे थे कि आप क्या पढ़ेंगे, थोड़ा मुझे बता दीजिए। तो मुझसे मैंने कहा वीर रस पढ़ती हूँ, तो बोले कि आप तो देखने में तो श्रृंगार लग रही हैं, लेकिन आप वीर रस क्यों पढ़ना चाहती हैं? तो उनको भी मैंने जवाब दिया, आइए आपके बीच में रखती हूँ, आपका आशीर्वाद चाहती हूँ, सुनिएगा। कि बहुत हो चुका जुल्मों को अब हमने सहना छोड़ दिया, बहुत हो चुका जुल्मों को अब हमने सहना छोड़ दिया, जिसमें देश का नाम नहीं वो कविता कहना छोड़ दिया, छोड़ दिया जो कलम चली थी पायल की झंकारों पर। देशी की पढ़ चुके हैं भैया, अब हम पढ़ रहे हैं। आपने उनको आशीर्वाद दिए थे ना कि अंतिम में आएंगे, कि बहुत हो चुका जुल्मों को अब हमने सहना छोड़ दिया, जिसमें देश का नाम नहीं वो कविता कहना छोड़ दिया जो कलम चली थी पायल की झंकारों पर, छोड़ दिया वो स्याही ही जो चलती थी गतारों पर, भूखे बचपन और गरीबों की मैं पीड़ा गाती हूँ, कलम हाथ में लेकर जब मैं कविता धर्म निभाती हूँ, कि मैं हिंदी माँ की बेटी हूँ, मैं कविरा की वाणी हूँ, मैं हूँ तेज दिवाकर का, मैं झांसी वाली रानी हूँ, लिख सकती थी मैं भी सुंदर फूल घटाओं पर, लिख सकती थी मैं भी सुंदर फूल घटाओं पर, मन को जो शीतल कर दे ऐसी मस्त हवाओं पर, लेकिन सोचा माँ के जख्मों पर मरहम कौन लगाएगा,
लेकिन सोचा माँ के जख्मों पर मरहम कौन लगाएगा, सैनिक के सूने मस्तक पर चंदन कौन लगाएगा, कौन कहेगा जा बेटे सरहद पर तुझको जाना है, भारत माँ का कर्ज राखी की लाज बचाना है, कसम तुझे है हिंद के वासी अपना फर्ज निभाना तुम, सब मजहब से ऊपर उठकर देश धर्म निभाना तुम, कि सर्वधर्म संभाव रहे और बहती पावन गंगा हो, सर्वधर्म संभाव रहे और बहती पावन गंगा हो, देश हमारा अमर रहे और ऊंचा सदा तिरंगा हो, कि सर्वधर्म संभाव रहे और बहती पावन गंगा हो, देश हमारा अमर रहे और ऊंचा सदा तिरंगा हो, इसीलिए श्रृंगार छोड़ अंगार ही मैं लिख पाती हूँ, मैं भारत माँ की बेटी हूँ, मैं जनगण मन ही गाती हूँ, पूरा जीवन भी कम है सैनिक का कर चुकाने को, कि पूरा जीवन भी कम है सैनिक का कर चुकाने को, इस बात को लेकर एक बार हम जयकारा लगाएंगे उन जवानों के लिए, और भारत माता का फिर एक बार जयकारा लगाते हैं, बोलो भारत माता की, भारत माता की, अमर रहे अमर रहे, मिलिंद भैया अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम जिनकी कविताओं को रचनाओं को सुनने के लिए बहुत ही बेताब, जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अनेक कवि सम्मेलनों में अपना लोहा मना चुके हैं, और भाई श्री ने अपनी इस कविताओं के साथ साथ जैसे कि कल के साथ आज की बात की है, और इन बातों में कुछ दो पंक्तियां, इन दो पंक्तियों के साथ उन्हीं की पंक्तियां हैं, और उनके साथ ही मैं यहाँ पर उन्हें मंच पर आप सभी की जोरदार तालियों के बीच न्योता देना चाहूंगा, कि भूल करके भी चली मत जाना अकेले में, अपने बेटी को हिदायत देते हैं, कि भूल कर भी चली मत जाना अकेले में, कि चेहरे पे चेहरा लगाकर, कि चेहरे पे चेहरा लगाकर घूम रहे हैं यहाँ हर मेले में, के चेहरे पे लोग चेहरा लगाकर घूम रहे यहाँ मेले में, जोरदार तालियां बजा दी। जरा एक बार पूरा सदन, पीछे तक के लोग, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जरा दोनों हाथ खड़े करके ताली वाली बजा दीजिए मेरे सम्मान में। मैं ये सारे काम पहले ही करवा लेता हूँ, बाद में पता नहीं बजे ना बजे, इसलिए जो महत्वपूर्ण काम हो उसे पहले करवा लो, ऐसा हमारे महापुरुष संत जो हैं वो कह के गया, चाहे वो संत ज्ञानेश्वर जी हो, चाहे वो तोताराम जी हो, चाहे वो एकनाथ जी हो, इन्होंने सबने यही कहा कि जो अच्छा काम है वो पहले कर लो, काल करे सो आज करो, और आज करे सो अब, पल में पल रहेगा बहुरी करेगा कब, तो जो अच्छा काम है वो पहले कर लेना चाहिए। माता बहने यहाँ पर रात में इतनी देर तक बैठी हुई है, एकता कपूर का श्राप इन्हें जरूर लगेगा, महत्वपूर्ण सीरियलों को छोड़ दिया है इन्होंने, तो मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ। ज्योति त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छा पढ़ा, देशभक्ति की शानदार कविता इन्होंने सुनाई, सरहद के जवानों को इन्होंने वो कविता सुनाई है, बहुत अच्छी कविता सुनाई है, और भाई दिनेश देसी घी जो हैं ये टांग पे टांग रख के चीरने की बात इन्होंने कही है, भगवान इनकी टांग को और मजबूत करे ताकि ये इसी तरह से चीरते रहे। और माइक लोग बताते, हमारी भाई बताते, बोले माइक और वाइफ एक जैसे, परंतु माइक और वाइफ में बहुत सारे अंतर भी होते हैं, क्योंकि माइक अगर बिगड़ जाए तो अपन दूसरे का ले लो, अगर वाइफ बिगड़ जाए तो ये सुविधा नहीं है भाई। दूसरी बात, माइक को अपने साइज का छोटा बड़ा कर सकते हैं अपन, ये सुविधा इधर नहीं है, ये जैसी है ऐसी ही रहेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि माइक अगर बाजार से खरीद के लाए और वो नहीं जम रहा तो वापस उसको दे सकते हैं, यहाँ एक बार माला पहन ली और मामला खत्म, फिर जिंदगी भर उसको कैसा भी हो उसको निभाओ आप। और इससे ज्यादा खतरनाक तो इनमें माइक और वाइक में सबसे बड़ी बात तो ये है साहब कि ये माइक जब बिगड़ता है तो ये बंद हो जाता है, और अगर ये बिगड़ जाए तो ये शुरू होती है भी।
तो मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छा माइक है आपका, गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ, माथा टेकता हूँ। अब मोय भरोस भा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तुलसी कह गए हैं कि बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते हैं, और जब संत मिल जाते हैं तो समझो भगवंत मिल जाते हैं। आप इतने पवित्र तपस्थली में रहते हैं, आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों के हमें दर्शन हो गए, कि आप उस तपस्थली में रहते हैं जहाँ इतनी बड़ी दिव्य विभूति, इतने बड़े संत जिनकी समाधि स्थल इस धरती पे है। मैं इस महाराष्ट्र की इस तपस्थली, इस जन्मभूमि को मैं माथा टेकता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम करने में ताली बजाने का कोई रोल नहीं था, परंतु अब आपकी आदत पड़ी हुई है ताली बजाने की, तो मैं भी क्या करूं। हालांकि ताली वाली से कुछ भी नहीं होता, ज़्यादा ताली बजाने से कोई पेमेंट वेमेंट नहीं बढ़ता है, पेमेंट इतना ही रहता है जितना किशोर भाई ने बता रखा है, चाहे कम बजाओ के ज़्यादा बजाओ, इससे कुछ। मैं हास्यरस का कवि हूँ, मैं ज्योति जी की तरह वीर रस की कविताएँ नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है, आपने शेक्सपियर को सुना होगा, पढ़ा होगा, शेक्सपियर कहते हैं कि जो दूसरों को हंसाता है वह कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि वो जहाँ जाता है वहीं स्वर्ग बना लेता है। तो मेरा ये मानना, हालांकि ये बात शेक्सपियर ने नहीं, मैंने खुद ने कही है, और मैं वही कहूँगा जो मैंने खुद ने कहा। अम्मा जी कहाँ जा रहे हो आप? अच्छा, आपका आशीर्वाद, अम्मा जी जा रहे हैं, जाना जरूरी है भाई, आया है तो उसे जाना ही पड़ेगा। आप इतने खुश मत होइए, सबको जाना है, सृष्टि का नेम गुरुदेव और साधु संतों ने यही हमको बताया है। आप दुनिया के वो अंदर में गया, भागवत पड़ी हुई थी, बैकुंठ प्रभु श्री योगेश्वर जी के चरणों में मैंने माथा टेका, रुक्मणी जी के चरणों में माथा टेका, पास में भागवत कथा भागवत पोथी पड़ी हुई थी। मैंने पंडित जी से पूछा, मैंने कहा ये रामायण है कि भागवत है? बोले भागवत है। भागवत पढ़ लो आप, रामायण पढ़ लो आप, गीता पढ़ लो आप, चार वेद पढ़ लो, छह शास्त्र पढ़ लो, 18 पुराण पढ़ लो, सब में एक ही बात लिखी हुई है कि जो आया है उसको जाना पड़ेगा और जो जाएगा उसको वापस आना पड़ेगा। तो ये सृष्टि का कर्म है। अम्मा जी हमारे बीच में से चले गए हैं और वो व्यवस्थित वहीं जाए जहाँ उन्हें जाना है। कुछ भी हो सकता है, कोई कहीं भी जा सकता है। ज्योति जी ने बहुत अच्छी कविता सुनाई, दिनेश जी ने बहुत अच्छी, मैंने आपसे पहले ही कहा कि हमारे कई बार तो क्या है कि सरकारें काम अच्छा करती परंतु रिजल्ट गलत निकलता। काम तो इतने बढ़िया हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी अच्छा काम कर रहे हैं, आपके महाराष्ट्र में भी अच्छा काम कर रहे हैं। बेटियों को लेकर के इन्होंने इतनी सारी बातें करी, बेटियों को लेकर के नारी शक्ति के लिए आपके देवेंद्र जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं जिसका जवाब ही नहीं। अभी आप देखिए, अभी नेट पर सर्च करिए, जिसके घर में दो बेटी होगी उसको सरकार 50,000 रुपये का इनाम दे रही है। दो बेटियां जिसके घर में, लक्ष्मी लाडली, 50,000 रुपये। अब जैसे अखबार में ये पढ़ा, दिनेश भाई विष्णु जी बोले जिसके घर में दो बेटी उसे सरकार 50,000 रुपये दे रही। तो एक आदमी की समस्या है कि उसके घर में एक ही बेटी थी, उसने कहा यार बोला अपन तो 50,000 ले नहीं सकते क्योंकि एक ही बेटी अपने घर में। वो उदास रहने लगा, उसने उसकी पत्नी से कहा बोले यार मैं अपने घर में एक ही बेटी है और सरकार की ये स्कीम है कि जिसके घर में दो बेटी उसको सरकार 50,000 रुपये दे रही। उसकी पत्नी ने कहा बोले अम्मा जी आ गए भाई, ये तो बेटियों का प्रभाव है, देख लो इस देश में बेटियों का कितना बड़ा प्रभाव रहा है। हिंदुस्तान के अंतरिक्ष के सीने को चीर करके जाने वाली कल्पना चावला और रानी लक्ष्मीबाई का प्रभाव था इस हिंदुस्तान के अंदर, तब बेटियों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। तो उस आदमी ने कहा बोले यार मेरे घर अपने पास में एक बेटी है, एक लड़की अपनी बबली, अगर अपनी दो लड़की होती तो अपने को 50,000 रुपये मिलते सरकार से। तो उसने कहा बोले अब अपने भाग्य में एक ही बेटी थी तो एक बेटी मिल गई। उस आदमी ने उसकी पत्नी से कहा अगर तू बुरा नहीं माने तो एक बात बोलूं। बोले क्या? बोले आज से 10 साल पहले मैं पान सिमल में रहता था तो वहां मेरे से छोटी सी गलती हो गई। तो एक तो अपनी ये घर में बबली है और एक वो गलती, उस गलती को ले आए तो अपनी दो बेटी हो जाएगी, अपन 50,000 रुपये सरकार से ले लेंगे। उसकी औरत ने माथा पीट लिया, बोले तुमने ऐसे ऐसे गंदे काम करे फलाना डिमका। बोले अब जो हो गया वो तो हो गया, पर 50,000 रुपये से क्यों चुके? सरकार दे रही 50,000 दो बेटी पे। बोले ठीक है। वो आदमी सुबह में खुश हुआ, जल्दी से पान से मल गया, वहां से उसने जो 10 साल पहले गलती करी थी उस लड़की को ढूंढा, उसको निलाया धुलाया और घर ले आया। और उसने कहा बोले देखो अब एक तो ये अपनी गलती और एक अपने बबली, अपने को 50,000 से कोई नहीं रोक सकता। वो अंदर गया, बाहर आया, उसने देखा बोले अपनी बबली नहीं नजर आ रही। तो उसकी पत्नी ने कहा कि बोले जो 10 साल पहले तुमसे पान सिमल में गलती हुई थी, ये कि यही 10 साल पहले मेरे से सेंधवा में गलती हो गई। तो वो बबली को सेंधवा वाले ले गए, जिसकी गलती अपने आप ले जाते,
सरकार तो अपना काम करने में लगी हुई है परंतु रिजल्ट गलत निकलता है। काम तो वही हो रहा है परंतु रिजल्ट गलत निकल जाता है। कई सारे देश में रिजल्ट गलत निकल रहे हैं। ये माता बहने बैठी हुई हमारी बेटियों को लेकर के इन्होंने इतनी बढ़िया बात बताई। विष्णु जी आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, शानदार संचालन, आपके शब्द का संयोजन बहुत अच्छा है। लोकतंत्र में ये कवि सम्मेलन चौथा स्तंभ है। हमारे किशोर भाई ने ये इन तीन कवियों को यहाँ पे, दो कवि और एक मुझे यहाँ पर बुलाया है। मैं दावे से कह रहा हूँ मेरे दोस्त, कल परसों उज्जैन के अंदर ज्योति जी की एक नाइट शो थी, ये कई सीरियल टीवी सीरियल वगैरह में आप क्राइम पेट्रोल वगैरह में इन्हें देख सकते हैं, परमेश्वर कृष्णा वगैरह कई सारे सीरियलों में ये आती है। योग की बात है, ये इनकी प्रेम मोहब्बत थी जो ये इनके छोटे से निवेदन पर ये यहाँ पर आ गए, वरना इन तीनों चारों कवियों का जितना पेमेंट है उससे आधा पेमेंट तो ज्योति त्रिपाठी अकेली का ही हो जाता है। परंतु ये इनकी मोहब्बत थी किशोर भाई की, अन्ना जी की, जिनकी वजह से हम यहाँ लोग आए हुए हैं। मैं किशोर भाई को अहिंदी भाषी प्रदेश के अंदर राष्ट्रभाषा हिंदी की विजय वैजयंती को आपने यहाँ फेराया, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तमाम लोगों से मेरा निवेदन है जरा एक बार उनके अथक प्रयास के लिए आप जोरदार तालियां बजाइए, बहुत शानदार। भूल करके भी सुनिए मेरे दोस्त, आप सुनने जैसे हो गए हैं और मैं सुनाने जैसा हो गया, तो अब धीरे धीरे अपन सुनते हैं। मैं ज़्यादा ऐसी टेंशन की बातें नहीं करूँगा और देशभक्ति वगैरह उसमें क्या होता है कि जैसे कि अपन अगर देशभक्ति की और देश भर का दुनिया भर का टेंशन अपन पाले तो उससे होना जाना क्या। जैसे अभी ये भाई बता रहे थे जोर जोर से अकबर ओवैसी को गाली दे रहे थे, इनको मालूम है कि ये आवाज़ वहाँ तक जा नहीं रही, तो मर्जी पड़े इतनी गाली दे लो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो जब आवाज़ वहाँ जा नहीं रही है, पाकिस्तान को मर्जी पड़े इतनी गाली दे लो, पाकिस्तान की समस्या अपने हाथ में है नहीं, जिन लोगों के हाथ में वो समस्या का हल कर सकते हैं उनको कोई टेंशन है ही नहीं, तो वो लोग टेंशन पाल नहीं रहे, अपन टेंशन पाल के क्या कर लेंगे। इसलिए इन दुनिया भर के सारे टेंशनों से क्या लेना देना अपने को, पाकिस्तान पाकिस्तान चीन जापान ये अंधे फंदे ये कुछ भी नहीं मेरे भाई। इसलिए मैं बहुत छोटा कवि हूँ और ये सारे देश दुनिया में घूमते रहते हैं, मैं तो मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊँगा। मैं ऐसे 10-10, 20-20 दिन तक इधर उधर रोता फिरता नहीं हूँ। अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर घूमते फिरो क्या मतलब है, अपने घर के सामने फिर दूसरे घूमे, तो अपने को घर पे ही रहना चाहिए। तो देश की मेन समस्या का कारण यह है कि आदमी घर पे नहीं रह रहा। आप लोग यहाँ पर बैठे हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा, परंतु आप घर का ध्यान नहीं रख रहे हो। अपने को घर पे ध्यान रखना चाहिए, 11:30 बजे और आप यहाँ पर बैठे हो। विपक्ष वाले क्यों चिल्ला रहे हैं मोदी जी के खिलाफ, बोलो मैं मोदी जी घर पे नहीं रह रहे, विदेश में घूम रहे, मोदी जी विदेश में घूम रहे। अब विपक्ष वाले को राहुल गांधी को ये पता नहीं है कि मोदी जी घर पे भी क्या करें, उनकी जरूरत ही नहीं, घर पे रह के करेंगे भी क्या, वो विदेश से भी अपना काम चला रहा भाई, काम तो कहीं से भी चल ही रहे, नहीं क्या मतलब है। और राहुल गांधी जी यहाँ रह करके भी वो काम नहीं कर रहे, उन्होंने भी खाट यात्रा निकाली रुद्रपुर से, खाट यात्रा 1600 खाट इकट्ठे करे, सभा करी खाट यात्रा। अब राहुल गांधी जी को ये पता नहीं कि खाट पे से कोई समस्या का हल हो रहा है क्या। नहीं, अपन पढ़े लिखे लोग हैं सब जानते, खाट पे से कोई समस्या का हल होता है, आदमी जैसे ही खाट पे गया कि समस्या खड़ी होती है। खाट पे से तो समस्या खड़ी होती है समस्या, और ये बात राहुल गांधी को इसलिए मालूम नहीं क्योंकि उनका खुद का कभी खाट से काम खड़ा ही नहीं, इसलिए वो खाट यात्रा कर रहे हैं, उनका अनुभव है ही नहीं खाट का। और इन सारी समस्या का मेन कारण ये है कि कई बार शक्ति गलत जगह लग जाती, जो शक्ति राहुल गांधी में आना थी वो दिग्विजय सिंह में चली गई, शक्ति गलत जगह चली गई और कुछ भी नहीं हुआ। तो जो शक्ति जहां लगना चाहिए वहीं नहीं लग रही। जैसे हमारे ज्योति जी ने कहा कि ये बता रहे थे, बोलो फिल्मों में दिनेश भाई ने कहा, बोलो मुंबई से पुराने जमाने में ऐसे ऐसे गीत चलते थे और ऐसे ऐसे गीत, भाई पुराने जमाने में तो बहुत कुछ चलता था, पुराने जमाने में तो ऐसे ऐसे साधु संतों के दर्शन होते थे, ऐसे ऐसे साधु संत होते थे, पग पग पे जहाँ लगता ऋषि मुनियों का डेरा, पग पग पे उनका साधु संतों का डेरा लगता था। तो आज वो कुछ भी नहीं है, आज स्थिति बदल गई। आज बंबई में बैठे हुए गीतकार 2 लाख रुपए मिलते हैं, गीत लिख देते हैं, एक पप्पी तू मुझको उधार दे दे बदले में यूपी और बिहार ले ले, एक पप्पी के बदले पूरे पूरे प्रांत दे दिए उन्होंने, जोरा जोरी चने के खेत में। ये हिंदुस्तान कृषि प्रधान राष्ट्र है, परंतु उस गीतकार ने चने का खेत नहीं देखा, उस डायरेक्टर ने चने का खेत नहीं देखा, उस संगीतकार ने चने का खेत नहीं देखा, उस माधुरी दीक्षित ने चने का खेत नहीं देखा। बेवकूफ को 2 करोड़ रुपए मिले तो उसने नृत्य कर दिया जोरा जोरी चने के खेत में, उस माधुरी दीक्षित को मालूम ही नहीं कि चने के खेत में जोरा जोरी हो ही नहीं सकती, नहीं चने के झाड़ की साइज ही है, उसमें जोरा जोरी कैसे करेंगे। अच्छा उस बेवकूफ को ये पता नहीं माधुरी दीक्षित को किसमें जोरा जोरी करूंगी तो खुजली कितनी जगह चलेगी, उसे खुजली का भान नहीं, उसे पैसा मिला उसने नृत्य कर दिया।
एक पप्पी तू मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी और बिहार ले ले। मेरे का तेरे बाप का राज है, जो यूपी और बिहार दे देगा बदले में वो बिहार का बॉस लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा। और तो एक पप्पी वो भी उधार बदले में यूपी और बिहार। मन का तेरे बाप का राज है, जो यूपी और बिहार दे देगा बदले में वो बिहार का वो लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा। माना के करिश्मा कपूर तू बहुत है चतुर, पर अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ी है, इन नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ी है। ये लालू प्रसाद विश्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, और जिसने पशुओं का चारा तक नहीं छोड़ा तेरा गोरा काल छोड़ देगा। चोली के पीछे दिल बताने वाले सुभाष गई, चोली के पीछे दिल बताने वाले सुभाष गई सवन कुमार माधुरी दीक्षित। शायद ये सृष्टि इसलिए हरी भरी रही होगी कि माँ के आंचल से दूध नहीं अमृत बरसा होगा, और माँ तेरी गोद में खेलने के लिए इंसान क्या भगवान भी तरसा होगा। भगवान तरसता है माँ की गोद में खेलने के लिए। इस हिंदुस्तान की धरती पर विष्णु के 24 अवतार हुए, इस हिंदुस्तान की धरती पे 10 गुरु हुए, इस हिंदुस्तान की धरती पे 24 तीर्थंकर हुए, इस हिंदुस्तान की धरती पे दुनिया के समस्त साधु संत हुए, इस हिंदुस्तान की धरती पे चाहे संत ज्ञानेश्वर हुए, इस हिंदुस्तान की धरती पे चाहे नानक जी हुए, इस हिंदुस्तान की धरती पे 33 करोड़ देवताओं ने अवतार लिया, इस हिंदुस्तान की धरती पे आपने सुना कि एक भी भगवान ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए, लंदन में कोई भगवान हुए? जितने भगवान हुए सब अपने यही 33 करोड़ देवता, नाम भी मालूम नहीं कई सारे वेटिंग में चल रहे। मर्जी पड़े वहां बिठा दे उन भगवानों को, हमने मर्जी पड़े वहां बैठे। बोले ये कौन से वाले भगवान? बोले ये बड़ वाले बाबा, ये बोले ये खजूर वाले बाबा, ये आम वाले बाबा, ये नीम वाले बाबा, बैठे हुए हैं सब। हम पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं, संस्कार और संस्कृति हमारे कहाँ चले गए? भाई ने बताया संस्कार, हमारी भारतीय संस्कृति में कहावत थी खाना खजाना और जनाना किसी को नहीं बताना। खाना हम खड़े खड़े बफेट में खा रहे हैं। हमारे साधु संत हमें कहते थे भोजन और भजन स्वतंत्र करना चाहिए। भोजन आज हम खड़े खड़े कर रहे हैं बफेट में। जनाना भारतीय नारी रैंप पे चल रही है, विश्व सुंदरी प्रतियोगिता में भाग ले रही है। एक मुंबई का दो कोड़ी का संजय लीला बंसाली हमारे चरित्र को उकेर रहा, हमारे इतिहास को उकेर रहा है। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा ये विश्व सुंदरिया बनी। हर महीने विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। मुझे लगना चाहिए कि मैं बहुत छोटी जगह नहीं आया हुआ हूँ। मुंबई की चाहे वो जनता की पुकार का कवि सम्मेलन हो, जयपुर का महामूर्ख हो, या कोटा दशहरा, दिल्ली का लाल किला, वहां हजारों लाखों लोगों की भीड़ होती है, बड़े से बड़े लिफाफे हमें मिलते हैं वहां पर। परंतु वहां मुंबई की जनता की पुकार के उस बड़े कवि सम्मेलन में और आपके इस गांव के कवि सम्मेलन में फर्क यह है कि वहां पर धन कविता सुनता है और यहाँ पर मन कविता सुनता है। आप गाँव में मन से सुन रहे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके मन को प्रणाम करता हूँ। मैं राजा भोज की धरती मध्य प्रदेश, राजा भोज की धरती से छत्रपति शिवाजी महाराज की तपस्थली को प्रणाम करता हूं। मेरे दोस्त क्या आप सुन रहे हो? ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता, कौन सी कविता कब शुरू हो जाएगी मेरे को मालूम नहीं पड़ेगा। 5-7 कविता एक साथ चलेगी, पता नहीं कौन सी वाली कहां पूरी हो गई और कौन सी वाली कहां शुरू हो गई। हमारी इन्होंने बिटिया ने बताया था, ये ज्योति त्रिपाठी जी बता रहे थे, बोले हमारी छोटी बहन है, ये सबसे बड़ी गलती है। तो ये सार्वधिक झूठ यही बोला जा रहा है। शुरू होते से ही बोले हमारे बड़े भाई बैठे हैं, छोटी बहन बैठी है, विष्णु भैया जी हैं, ये सबसे बड़ा झूठ है। मैं ऐसे झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे कोई भाई बहन नहीं है ये। नहीं मर्जी पड़े उसको अपन भाई बहन कैसे बोल दे भाई, ये बंबई में रहती है, ये उज्जैन रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे पिताजी के ऐसे ही रोते फिरते थे क्या? मेरे कोई भाई बहन नहीं मरिया, रात के 11:30 बजे मेरी बहन यहाँ पे क्या करे? मेरी बहन मेरे घर पे मेरे जिया जी के साथ में। बहन अगर ऐसे ऐसे रोती फिरे तो जिया जी चमड़ा तोड़ दे मार मार के। मेरी कोई बहन बहन नहीं है, ये मेरी दोस्त तो हो सकती है, और मर्जी पड़े उसको भाई बहन बोलने से क्या मतलब। जो भाई बता रहा था ये दिनेश, बोले वो अकबर ओवैसी ऐसा बोल रहा कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। वो इसलिए बोल रहा, उसकी हिम्मत ही इसलिए हो गई कि जिसे भाई नहीं बोलना था उसे हमने भाई बोला। इस हिंदुस्तान की समस्या ये है मेरे दोस्त, ये हिंदुस्तान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है। ये देश किसका देश है? बोले गांधी का देश है, ये नेहरू का देश है ये। मेरे भाई अगर कोई तो ये हिम्मत करके बोले कि ये देश भगत सिंह और सुखदेव चंद्रशेखर आजाद का देश है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, तो शायद 2 कोड़ी के आतंकवादियों की हिम्मत नहीं है जो हिंदुस्तान के ऊपर आंख उठा करके देख ले। मेरे भाई हमारा इस देश की समस्या ये है मेरे भाई,
उसने बेवकूफ ने कह दिया, बोले मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, अकबर ओवैसी कह रहा, बोले भारत माता। उस मूर्ख को ये पता ही नहीं है कि बोलना है कि नहीं बोलना है। वेद के जो मंत्र होते हैं वो गंदे मुंह से नहीं बोले जाते। भारत माता की जय जैसा पवित्र पावन मंत्र उसके मुंह से शोभा ही नहीं देता। ये सारी चीजें हैं, अब उनको पता नहीं है। जिन लोगों को पता नहीं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आतंकवादी बम विस्फोट कर रहे हैं, जयपुर में बम फटा, बेंगलोर में बम फटा, हैदराबाद में बम फटा, दिल्ली में बम फटा। इन बेवकूफ आतंकवादियों को ये पता नहीं कि अब लोगों को इतनी प्रैक्टिस हो गई कि अगर 10-20 दिन तक बम नहीं फटे तो आदमी खुद मोबाइल करके पूछ ले, बोले उधर फटे रहे, बोले उधर तो नहीं फटे, बोले उधर फटे तो मेरे को फोन करना, बहुत दिन से फट ही नहीं रहे। अब हमको मरने की प्रैक्टिस हो गई, हमको क्या मारेंगे आतंकवादी? और किस देश को बम से करा रहा आतंकवादी, किस राष्ट्र को बम से डराना चाहता है? ज्योति जी, आप देशभक्ति की बातें कर रही थी, मैं प्रणाम करता हूं आपकी देशभक्ति को। 2 कोड़ी के आतंकवाद को पता नहीं है कि वो किस राष्ट्र को बम से डरा रहा है? धन्य धन्य धरा, जहां की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं। और धन्य था वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस राणा का, टकरा कर तीर सीने में टूट जाते थे और हिल ही रहा था जब चेतक, तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। और ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्यदेव भी छिप गए गगन पर, और आदमी तो आदमी है, घोड़े ने जान दे दी वतन पर। जिस देश में चेतक घोड़ा अपने प्राणों की, जरा एक बार दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाइए। बहुत बढ़िया, वापस नीचे कर लो हाथ जल्दी से, नहीं ज्यादा देर खड़े नहीं रखना अपने को हाथ। मान लो अभी चेतक घोड़े को मालूम पड़ गया कि खड़े हाथ करके ताली बजे तो उसकी आत्मा को दुख होगा, क्योंकि कोई मर जाता है तो ताली बजाने का रोल नहीं उसमें। चेतक घोड़ा मर गया तो ताली का कोई रोल नहीं था, परंतु जो रोल नहीं वही काम हम कर रहे हैं। हमारे संस्कारों की बातें कर रहे हैं। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती? संस्कार कहां पैरों तले रोंदा गया? तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती? अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी से पता? बोले उसकी हस्बैंड तो मेरे सपने में आ रहे थे। मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट, विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर पे सबसे कम कपड़े वो फर्स्ट, इसलिए इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए करोड़ों रुपया नहीं खोना चाहिए, और देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिता होना चाहिए, जो प्रतियोगिता होना चाहिए। बेटा जरा चुप बैठो तुम। हेलो राजू, राजू मेरे बेटे ने मेरे से कहा, बोले पापा ये बताओ आपकी नजर में मेरी क्या कीमत है? मैंने कहा बेटा तू मेरे लिए बहुत कीमती है। अरे बोले नहीं ये बताओ कीमत क्या मेरी आपकी नजर में? मैंने कहा बेटा तेरे लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ, रात दिन भागता हूँ, दौड़ता हूँ, कवि सम्मेलन करता हूँ। बोले आपकी नजर में मेरी कीमत बताइए। मैंने कहा बेटा तू मेरे लिए लाखों रुपए का है। बोले एक काम करो, उसमें से 500 रुपए भी दे दो। मैं इन बच्चों को प्रणाम करता हूँ, एक कविता आपके बीच में पढ़ देता हूँ, आप बहुत अच्छा समझे। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप बहुत अच्छा संचालन करते हैं। भूल करके भी सुनिए साहब, अभी देश के अंदर एक बहुत बड़ी घटना घटी है, तो और वो घटना बड़ी बेशर्मनाक, मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे दोस्त, शायद मेरे विचार से आप सहमत हो या न हो, परंतु मुझे इस बात का दुख हुआ है, मैं उस दुख को आपके बीच में व्यक्त करना चाहता हूं। इस देश के अंदर, इस देश के मीडिया जो है, चैनल वाले जितने भी देश के मीडिया वालों, इन चैनल वालों को सिर्फ आसाराम बापू दिखते हैं, इन्हें राम रहीम दिखते हैं, इन्हें रामपाल दिखते हैं, इन्हें किसानों का वो दर्द नहीं दिखता है जब किसान फांसी के फंदे पे झूलता है। उन मीडिया को ये लोग दिखते हैं, हमारे सनातन धर्म के ऊपर होने वाला प्रहार दिखता है उनको। मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ, ये माता बहन है, पिछले दिनों दामिनी की कांड हुआ दिल्ली के अंदर, मैं इन माता बहनों के बीच में 4-6 लाइन पढ़ देता हूँ। मेरी ये बात आप याद रखना, अपने साथ ले जाना। मेरे इन दिनों एक मैसेज है, एक मिशन है, मैं पढ़ता हूँ दिनेश भाई के, भूल करके भी चली मत जाना अकेले में, भूल करके भी चली मत जाना अकेले में, लोग चेहरे पे चेहरा लगा करके घूम रहे हैं मेले में,
और अगली पंक्ति पे शायद आपके हाथ खुले कि ऐसे हादसे क्यों हुए। भूल करके भी चली मत जाना अकेले में, लोग चेहरे पे चेहरा लगाकर घूम रहे हैं मेले में, और चली गई जो अकेले में तो आबरू आबरू लुटा करके घर पहुंचोगी अपने आप की, क्योंकि तुमने वो मजबूत उंगलियां छोड़ दी है जो बचपन में पकड़ रखी थी माँ बाप की। अपने माँ बाप की उंगलियां पकड़ते हैं। माता बहनों से मेरा ये निवेदन है मेरे दोस्त के, छोड़ मत देना वो मजबूत उंगलियां जो बचपन में पकड़ रखी थी तूने अपने माँ बाप की। मेरे दोस्त, मैं एक कविता आपके बीच में खड़ी करना चाहता हूँ। राजू बेटा, तुम बात करना बंद कर दो, रात को इतनी बजे ऐसी बातें करते होंगे तो क्या होता होगा। मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं तो 5-10 मिनट बाद चला जाऊंगा, परंतु तुम्हारे मम्मी पापा का क्या होगा अगर रोज इसी तरह से बातें करते हैं। रात की 12 बज जाती है और 12 बजे अगर बच्चे ऐसी बातें करेंगे तो उनकी क्या हालत होगी। उनका तो खाना पीना सारा मामला खराब हो गया है, और तुम कैसे हो गए, यही मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। भैया जिससे पूछो वो यही कह रहा, बोले टाइम नहीं है, बोले टाइम नहीं है। अरे किशोर भाई वहाँ, बोले टाइम नहीं है। फलाने भैया वहाँ, बोले टाइम नहीं। विष्णु भैया बोले वहाँ ना, बोले टाइम नहीं हमारे पास, और 125 करोड़ हो गए हम। टाइम नहीं होने के बाद भी इतने हो गए, अगर टाइम होता तो कितने हो जाते अपन। और 125 करोड़ टाइम नहीं के बाद भी हो गए, ये इतने बोले जा रहे हैं, ये इतने बोल रहे हैं, इसके बाद भी इतने हो रहे हैं, अगर ये नहीं बोलते तो कितने होते। देखो आप देश के, भाई मैं तो बैरागी आदमी हूँ, सारे मंत्र जानता हूँ मैं, मरे गरे के भी जानता हूँ, शादी ब्याह के भी जानता हूँ। ये अलग बात है कौन से वाला कहाँ पढ़ना मेरे को याद नहीं रहता, बाकी जानता सब। आदमी के पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो एक हिंदू मुस्लिम सरदार और ईसाई चारों को फांसी की सजा हुई। उस जज ने हिंदू से कहा, बोले तेरी अंतिम इच्छा बता। हिंदू ने कहा, बोले रामायण मंगाओ। रामायण मंगाई, उसने हनुमान जी को याद किया, जल्लाद ने फांसी के फंदे का बटन दबाया, फंदा गले तक आया, रुक गया। जज ने कहा, बोले तेरी हनुमान जी ने सुन ली सजा माफ। क्रिश्चियन का नंबर आया, उसने बाइबिल मंगाई, ईसा को याद किया, जल्लाद ने बटन दबाया, फंदा गले तक आया, रुक गया। जज ने कहा, बोले तेरी भी ईसा ने सुन ली सजा माफ। मुसलमान भाई का नंबर आया, उसने कुरान मंगाई, अल्लाह को याद किया, जल्लाद ने बटन दबाया, फंदा गले तक आया, रुक गया। जज ने कहा, बोले तेरी भी अल्लाह ने सुन ली सजा माफ। आखिरी में सरदार जी का नंबर आया। अब सरदार जी के पास तो कॉन्फिडेंस था। जज ने सरदार जी से कहा, बोले सरदार जी आप आपकी अंतिम इच्छा बताओ। सरदार जी ने कहा, बोले इच्छा विच्छाओ गोली मारो, पहले एक काम करो, इस मशीन का बटन ठीक करवाओ। मेरे को बेवकूफ समझ रहे हो क्या आप? इस मशीन का बटन ठीक करो और इन तीनों को फिर से लगाओ एक एक करके। इस देश में अच्छा करा तो किसने करा? बोले वो तो मैडम ने करा। बुरा करा तो बोले सरदार ने करा। हमने 10 साल से दिल्ली में सरदार जी को प्रधानमंत्री बना के रखा। 10 साल से मनमोहन सिंह जी सरदार को प्रधानमंत्री बनाया। हमने जो 10 साल पहले ये फैसला लिया सरदार को प्रधानमंत्री बनाने का, ये बहुत गलत फैसला लिया, और बहुत बाद में फैसला लिया ये फैसला। अगर सरदार को ही प्रधानमंत्री बनाना था तो आज से 70 वर्ष पहले अगर लिया होता तो इस विश्व के नक्शे में हमारा अलग ही खेल होता। शायद देश का पहला प्रधानमंत्री नेहरू नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल होता। परंतु अब समस्या ये, आप ताली बजा रहे हो, भाई अपन कैसे बनाए पटेल साहब को सरदार, क्योंकि उस समय अपन पैदा ही नहीं हुए थे। अगर पैदा हो जाते तो अपन सरदार वल्लभ भाई पटेल को बना देते। अब उस समय अपन नहीं थे तो अपन नहीं बना पाए। और हिंदुस्तान की जनता ने तो कभी कोई फैसला डिसीजन गलत लिया ही नहीं। 125 करोड़ की जनता ने जो भी फैसला लिया बिल्कुल सही फैसला लिया। हमने 10 साल से एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बना के रखा। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, अर्थशास्त्री थे। अब वो डॉक्टर होने के बाद भी उन्होंने एक भी इंजेक्शन नहीं लगाया। चाय बेचने वाले की बात कर रहे थे, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। अब चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, उसने दे धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन, इतने सारे ऑपरेशन कर दिए। अब चाय बेचने वाला अगर ऑपरेशन करेगा तो टांके तो गलत सुलत ले ही सकता। अब वो टांके गलत सुलत ले लिए तो ये ममता बनर्जी मायावती के टांकों में दर्द हो रहा है, इसलिए वो चिल्ला रही, बाकी और कोई खास बात नहीं है। जरा एक बार ताली वाली बजाइए, मैं एक कविता सुन देता हूँ। सुनिए आप एक कविता, में आपके बीच क्या आया ये वाले हमारे बहुत शानदार मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, और वो इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि उनकी बैठने की व्यवस्था है, इसलिए वो बैठे हुए हैं। नहीं, ये बताना पड़ता है कि यार ये क्यों बैठे हुए हैं, और मेरे को चश्मा भी लगना जरूरी है। बहुत बढ़िया है कि नीचे तपती धरा
जहां पे ज्योति जी ने शहीदों को लेकर के अपनी बात खत्म करी है, मैं वहां से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं और वाकई में सुनते ही हैं भाई, प्रोग्राम ही साल भर में एक बार हो रहा है तो सुनेंगे ही सही, नहीं तो क्या करेंगे। नीचे तपती धरा, ऊपर सूर्य भगवान। मुंबई के केलकेटा के ईडन गार्डन के अंदर एक क्रिकेट मैच हुआ, विराट कोहली ने शतक लगाया तो इस सदी के महानायक बिग बी अमिताभ बच्चन ने तिरंगा लहराया। विराट कोहली के एक चौके छक्के पे करोड़ों रुपए की बरसात होती है मेरे दोस्त। जब उनके करोड़ों रुपए की बरसात एक चौके छक्के पे होती है, उस वक्त 10 दिन तक हनुमान थप्पा बर्फ में दबा रहता है, तो उसकी आत्मा को कहीं ना कहीं तो ठेस पहुंचती होगी मेरे। जिस देश के अंदर 10 किलोमीटर दूर तक माझी अपनी पत्नी की लाश को उठा करके जाता है, उसे एक एम्बुलेंस भी नहीं मिलता है, उस वक्त 40 लाख रुपए की BMW सचिन तेंदुलकर साहब अगर उन खिलाड़ियों को देते हैं, तो उस माझी को, उसकी आत्मा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। इस देश के अंदर 2 वक्त की रोटी नहीं मिलने पर एक किसान फांसी के फंदे पे झूल जाता है, उस वक्त करोड़ों रुपए की बरसात अगर उन क्रिकेटरों पर होती है तो उस किसान की आत्मा को कहीं ना कहीं दर्द होता होगा। एक जवान पर खड़ा हुआ है, आप लोग यहां पर सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं, यहां पुलिस के जवान अगर बैठे हुए हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। ये पुलिस वाले, ये जवान रात भर जगते हैं तब जाके हम हमारे बीवी बच्चों के साथ रह पाते हैं, मैं इन्हें प्रणाम करता हूं। वो सरहद पर एक जवान खड़ा है और वो जवान कुछ शिकायत करता है और वो कुछ कहता है। 5 मिनट में मैं आपको बोल दूंगा जो उस जवान ने कहा है। उस जवान की बात को मैंने सुना नहीं, उसके मन को मैंने पढ़ा है, वो मैं आपके बीच में पढ़ देता हूं कि नीचे तपती धरा, ऊपर सूर्य भगवान, बीच में खड़ा एक सरहद का जवान और वो कहता है कि ये तिरंगा यूं ही लहराता रहे, उसकी रक्षा करना ही वो अपना काम समझ बैठा, और भला उसे फुर्सत कहाँ थी संतों के उपदेश सुनने की, वो उसी को अयोध्या का राम समझ बैठा। वो तिरंगा उसकी नजर में भगवान, उस तिरंगे की रक्षा करना हमारा फर्ज है मेरे भाई। ये तिरंगा यूं ही लहराता रहे, उसकी रक्षा करना ही वो अपना काम समझ बैठा, और मैं सुस्ताना चाहता हूं थोड़ी देर तिरंगे तेरी छाँव में। जरा आप सांस रोक के सुने मेरे दोस्त, हम इतनी दूर से चल करके अगर आपके गांव में आए तो हमारी थकान को, जो पैसे हमें मिलते हैं रात को, वो पैसा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इस कलाकार की ताकत, उसका हौसला सिर्फ आपकी तालियां है। मैं आपके चरणों में सौंपता हूं उस सेना के जवानों के लिए आपके हाथ उठे के, ए तिरंगे मैं सुस्ताना चाहता हूं थोड़ी देर तेरी छाँव में, क्योंकि मेरी छाती के छाले हैं उतर आए हैं पांव में, पता नहीं क्यों अब मेरी आत्मा घुटने लगी है, जब से सड़क छाप लोगों की उंगलियां सरहदों पे उठने लगी है। देश के अंदर 2 कोड़ी का एक JNU में पढ़ने वाला एक लड़का कन्हैया कुमार अगर ये बात कहता है कि जो सरहद पर खड़े हुए जवान है ये रेपेस्ट है, आए दिन रेप करते रहते हैं, उन सेना के जवानों पे उस 2 कोड़ी के कन्हैया कुमार की उंगलियां उठने लगी, जो इस बात की बातें करता है भारत माता के, भारत के 13 टुकड़े होंगे, घर घर से अफजल निकलेंगे, उस मूर्ख को ये पता नहीं है कि घर घर से अगर अफजल निकलेंगे तो घर घर से भगत सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज भी निकल सकते हैं। और उसने गलत भी कुछ नहीं कहा, उसने कहा बोला घर घर से अफजल निकलेंगे, घर घर से भाई उसका अनुभव बोल रहा, घर घर से अफजल निकल सकते हैं भाई, उसमें कौन सी नई बात है भाई। वर्मा के घर से वर्मा निकलेगा, शर्मा के घर से शर्मा निकलेगा, पटेल के घर से पटेल निकलेगा, गुप्ता के घर से गुप्ता निकलेगा, अन्ना के घर से अन्ना निकलेगा, शर्मा के घर से शर्मा निकलेगा, तो जिस घर के अंदर अफजल घुसा वहां से तो वापस अफजल ही निकलेगा ना, तो कन्हैया कुमार के घर में अफजल घुसा होगा तो वहां से अफजल निकल रहा है, उसके मुंह पे आ गया बोले अफजल निकलेगा। जिसकी जबान पर जो भाषा चढ़ी हुई वही तो भाषा बोलेगा। जैसे भाई बता रहे थे कि वो अकबर वो हैदराबाद का बेवकूफ कह रहा कि मैं नहीं बोलूंगा, तो उसकी जबान पर वो पवित्र भाषा चढ़ी नहीं तो वो बोलेगा कैसे, भारत माता की जय खून खराबे की बातें कर रहा।
खून खराबा, मेरी गर्दन पे तलवार रख दो, छुरी रख दो, तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोले क्या नहीं बोलेगा? बोले गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। 5-7 बार तो बेवकूफ ऐसे ही बोल गया, नहीं बोलूंगा नहीं बोलूंगा। खून खराबा कर रहा है। उस मूर्ख को ये पता नहीं है कि जब भगवान भास्कर इस धरा पर दस्तक देते हैं, उस वक्त फजर की जो पहली नमाज अदा की जाती है, फजर, जोहर, असर, मगरिब और ईशा, पांचों वक्त की नमाज के लिए मोमिन जब मस्जिद में जाता है तो इस्लाम ये कहता है कि मोमिनो, तुम नमाज करते वक्त, वजू करते वक्त 2 बूंद भी पानी की अगर जमीन पे गिराते हो तो इस्लाम की नजर में गुनहगार हो। जो इस्लाम पानी बहाने की अनुमति नहीं देता है, वो खून बहाने की अनुमति कहां से दे देता है यार? परंतु इस मूर्खों को ये पता ही नहीं। पता नहीं क्यों मेरी आत्मा घुटने लगी है, सुनिए आपके, पता नहीं क्यों मेरी आत्मा घुटने लगी है, जब से इन सड़क छाप लोगों की उंगलियां सरहदों पर उठने लगी है। क्या खाना, क्या पीना, क्या सजना, क्या संवरना, ये सरहद का हर हिस्सा मुझे अपना घर लगने लगा है। और दुश्मन से डरना मेरी आदत में शामिल नहीं है, पता नहीं क्यों अब मुझे अपनों से डर लगने लगा है। पता नहीं क्यों मुझे अपनों से डर लगना। जरा कवि सम्मेलन को, आप कविता को जवान करना। उस जवान ने कहा कि भूख लगी तो मैं भूखा रहा, प्यास लगी तो पानी समझा मैंने दुश्मन के खून को, पर ठंडा नहीं होने दिया कभी मैंने। भूख लगी तो मैं भूखा रहा, प्यास लगी तो पानी समझा मैंने दुश्मन के खून को, पर ठंडा नहीं होने दिया कभी अपने जुनून को। नींद आई तो माथा टिका कर सो गया मैं बंदूक की नाल पर, पर दाग नहीं लगने दिया मैंने कभी भारती के देदीप्यमान भाल पर। दाग नहीं लगने दिया मैंने भारती के देदीप्यमान भाल पर। मैं तो भूल चुका था कब से वो बचपन की बातें, वो गुलाबी ठंड से महकती हुई रातें, वो रोज रोज भोजन के वक्त रूठना, ऐठना और पिता की पीठ पर घोड़ा घोड़ा बना करके बैठना, वो मोहल्ले में मकर संक्रांति पर पतंग से पेंच लड़ाना, दादी माँ की कहानी को आगे बढ़ाना। मेरे बचपन की वो अधूरी कहानी कहीं भटक गई है, और मोहल्ले में कटी थी मेरी पतंग जो सरहद पे जाके अटक गई है। मोहल्ले में कटी मेरी पतंग तो सरहद पर जाकर के अटक गई है। 4-6 लाइनें सुने मेरे दोस्त, जो बेवकूफ ये कह रहे हैं कि ये सरहद पर जवान खड़े, ये आए दिन रेप करते रहते हैं, क्या उन जवानों का ये करैक्टर, ये चरित्र हो सकता है? सुनिए, आपके हाथ खड़े हो उनके सम्मान में। उसने कहा कि घर लौटते वक्त स्कूल से अक्सर चिढ़ाया करते थे हम उसे गुलाब के फूल से, उसे देख करके अकड़ना, अकड़ करके तितली पकड़ना, पकड़ करके छोड़ देना, और उसी की कॉपी से कागज फाड़ नाव बनाकर पानी में छोड़ देना। इन रोज रोज की हरकतों से वो भी उब चुकी होगी, और ये तो वही जाने वो नाव तैर भी रही है या डूब चुकी होगी, ये तो वही जाने। सुने आप, 2 लाइन और सुन ले, इसके बाद एक साथ ताली बजा देना। इतनी जल्दी भी नहीं अपने को बजाने की, मैंने पहले ही बजवा ली थी। ये तो वही जाने कि वो नाव तैर भी रही है या डूब चुकी होगी, और मैंने भी जो लिखी चिट्ठी उसके नाम की, मैंने भी जो लिखी चिट्ठियां उसके नाम की, अभी भी किताबों में पढ़ी मिलेगी। और मार कर दुश्मन को जब भी लौटूंगा मैं अवध में, वो प्रतीक्षारत उर्मिला खड़ी मिलेगी, वो प्रतीक्षारत उर्मिला वहां पर खड़ी मिलेगी। मैं आपके बीच में 4-6 लाइनें और पढ़ देता हूं कि भूल करके भी चले, वो कविता वही वाली चल रही है मेरे दूसरे नंबर वाली, के लोग चेहरे पे चेहरा लगा कर घूम रहे हैं मेले में, और आबरू लुटा कर घर पहुंचोगी अपने आप की, क्योंकि तुमने वो मजबूत उंगलियां छोड़ दी है जो बचपन में पकड़ रखी थी माँ बाप की। और घर लौट जाओ मेरी बेटी, घर लौट जाओ मेरी बेटी, अंधेरे ने पैर पसार दिए हैं यहाँ, रात के अंधेरे में जुगनुओं के साथ साजिशें चलती है। मैं गुरुदेव के चरणों में, यहाँ पर गुरुदेव की समाधि पर ये 2 पंक्तियां चढ़ा कर जाता हूँ कि हिंदुस्तान की किसी माता बहनों के साथ ऐसा ना हो। मुझे गुरुदेव आशीर्वाद दे, पंच तत्व में आज उनका शरीर विलीन हो गया है, परंतु संत एक ऐसी शक्ति होती है मेरे भाई, जिन्होंने पंच तत्वों को अपने अंदर समाहित कर लिया है, जो पंच तत्वों को से परे हैं
जो भूजल पावक गगन समीरा इन पांचों तत्व से परे हैं। मैं उन गुरुदेव को कोटि कोटि नमन करता हूं जो इस आकाश मंडल के अंदर अगर उनकी आत्मा कहीं विचरण कर रही है तो उनका आशीर्वाद मुझे मिले। मैं हिंदुस्तान की तमाम माता बहनों की तरफ से ये दो पंक्तियां आपके इस छोटे से गांव में सौंप करके जाता हूं। उसने मैंने कहा कि घर लौट जाओ मेरी बेटी, अंधेरे ने पैर पसार दिए हैं, यहां रात के सन्नाटे में जुगनुओं के साथ साथ साजिशें चलती है और तू चाहे जितनी चीख लेना कोई जटायु बचाने नहीं आएगा। तेरे जाने के बाद यहां सिर्फ मोमबत्तियां जलती है, कैंडल मार्च होता है इस देश के अंदर। तेरे जाने के बाद यहां सिर्फ मोमबत्तियां जलती है और तुमसे उम्मीदें बहुत है मेरी बेटी, तुमसे उम्मीदें बहुत है मेरी बेटी। अगर खरोच भी आई ना तुम्हें तो वो बूढ़े कंधे टूट जाएंगे और यहाँ अपराधों को श्रेणियों में बांटा जाता है, वो नाबालिग बन के छूट जाएंगे, वो नाबालिग बन के छूट जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई किशोर भाई और उनके तमाम मित्र लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ कि उनके निमंत्रण पे, उनके आदेश पे मैं यहाँ पर आया और गुरुदेव की समाधि में माथा टेकने का हमें सौभाग्य मिला। मैं तमाम दोनों कवि मित्रों को तरफ से मैं गुरुदेव के चरणों में माथा टेकता हूँ, प्रणाम करता हूँ। श्री वासुदेव श्री कृष्ण विट्ठल जी यहाँ पर विराजमान है, वो प्रभु श्री हरि नारायण स्वरूप उत्पत्ति स्थिति सहार कारणम सर्व कारणम, वह सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद समस्त भुवनाधार समस्त प्राण रक्षक भगवान श्री कृष्ण जी को मैं प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव तोताराम जी को मैं प्रणाम करता हूँ कि उनका आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे, आपके गाँव में ऐसा ही आशीर्वाद उनका बना रहे और ऐसे महोत्सव आपके गाँव में सदैव ऐसे ही होते रहे। जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय छत्रपति शिवाजी, जय भारत। धन्यवाद जानी भैया, का हर जर्रा देवता है। सैनिक की इस भावना को लेकर आपने इस बात के साथ हमें बहुत बहुत बधाई दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जानी भैया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जाने माने हास्य कवि हैं, सुश्री ज्योति जी वीर रस की प्रतीक और भाईश्री दिनेश जी पिंक संरक्षण सोसाइटी प्रकाशन के चेयरमैन और सभी दोस्तों।